कल से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया कल एक रोटी मिली थी वो भी मधुबाला को खिला दी किसी के पास एक रोटी हो तो मुझे दे दे मेरे लिए नहीं हेमा जी के लिए द नेक्स्ट वन इज राजेश खन्ना राजेश खन्ना लोन कॉलर से बहुत परेशान है राजेश खन्ना पुष्पा अरे पुष्पा अरे मात्र पुष्पा अरे ये तो दुनिया की रीत है रे ये दुनिया वाले ना खुद चैन से जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं अरे मैं तो इन कॉलर से परेशान हो गया रे उसके बाद संजीव कुमार जी संजीव कुमार जब आपको भी नहीं लग पाया देन नेक्स्ट uh, वन इज शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा भीख मांगते हुए और भगवान के नाम पर ना अल्लाह के नाम पर ना शत्रुघ्न के नाम पर दे जो दे उसका तो बोला जो ना दे साला खो दे सोच नेक्स्ट हाँ। अचानक नाना पाटेकर अक्सर सनक जाते हैं नाना पाटेकर <laughs> अच्छा है, अच्छा है। चल एक लोन आदमी को कंगाल बना देता है मत आओ मेरे पास रहने दो मुझे अकेला लड़ने दो अपनी लड़ाई कभी ना कभी तो मौत का गला घोटी के सच्चाई क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है अच्छा है अच्छा है अब तभी क्या होता है हमारे ऋतिक रोशन जी आ जाते हैं ऋतिक रोशन अपने कोई मिल गया स्टाइल में उनके क्रेडिट कार्ड पे फाइन लगा दिया गया है और जो बिल मिला है उसके साथ उसको लेके वो भगवान के सामने माँ कहती है पाप करने वालों को उसकी सजा यहीं मिलती है मैंने तो कोई बात नहीं किया फिर भी लेट बाइन लगा दिया मैं हमेशा टाइम पे क्रेडिट कार्ड भरता ऐसे थोड़ी ना होता है जब देखो सब पैसे मांगते मांग रहते है और उसके बाद बैंक भी मांग रहा है ऐसे थोड़ी ना होता है मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दो तो भगवान मैं डेली बॉन्ड भी पीऊंगा <laughs> उसके बाद तभी क्या होता है कि शाहरुख खान शाहरुख खान हे सैन्य मैंने hey तुम्हें कितनी बार कहा है कि क्रेडिट कार्ड पर इतना एक्सपेंस मत क्या करो हा? ये ये स्टेटमेंट ये देखो हे तुम समझती क्यों नहीं हाँ हाँ अचानक क्या होता है कि वहां पे अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं अमिताभ बच्चन जी को देख करके मिथुन आए ए, ए, ए तू आ गया बॉय देख मैंने कितनी चोनिया करी बाई ये अटनिया क्या सब तेरे लिए बह क्या अमिताभ बच्चन तुम पुरे फिल्म इंडस्ट्री का नाम मिट्टी में मिला दिया आए सारा हमें पता होता तुम हो शो कम से कम करवाते हैं और वत्स। वत्स बॉलीवुड का भविष्य भीख मांग रहा है वत्स। की इस डूबती नहीं तुम ही सहारा दे सकते हो आज के अर्जुन तो उनको उनको जैसे देखे तो पुनीत सर जी वहां पे मामशी देख रहे हैं आप वो रिकवरी एजेंट हैं जिस किस तरह से हम प्लान करके ये अपनी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं पितामह सब खराब करना चाह रहे हैं अब मामाश्री शकुनी गुफी पेंटल इतना अधीर ना हो भांजे मामाश्री पर विश्वास रखो पितामह तो हस्तिनापुर राज्यसभा की राजगद्दी से बंधे हुए हैं एक आज्ञा मिलते ही वो बिकमंगों से बिक की झोली वो स्वयं छीन के लाएंगे भांजे मामा पर विश्वास रखो इतना सुनते ही उधर से एक रहस्यमय सी सेवा जाती है मैं चाहूंगा आप गैस करें कि कौन है ये ओए बिग भीख मंगे दिल जले तुम सबकी भीख की जोली मेरे कब्जे में है अगर उसे वापस जाइए तो मुझे लोन दो नहीं तो भीख की जोली वापस नहीं मिलेगी थैंक यू सो मच